कितना बड़ा पातिव्रत धर्म है, इसको मैं जीवन में कभी अनुभव नहीं कर पाता। शत्रु के अंदर कितना बल होता है, शत्रु कौन कौन सी चालें चलता है, ये मैं जीवन में ना अनुभव कर पाता अगर मेरी माँ केकई मुझे वन में न भेजती। मेरे जीवन में ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ, मातुरेश प्रभाव, मेरी माँ केकई के चरणों का ही प्रभाव है, ऐसा कह करके भगवान श्री राम ने अपनी माँ केकई के चरणों में प्रणति निवेदन किया। आज केकई जी सबसे पहले आगे आगे चल रही। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। रामानयन संतुष्टा, महाराज जी को आसन दे भैया। रामानयन संतुष्टा, राम जी के आनयन से सबसे ज्यादा संतुष्ट कौन हुई? राम जी लौट करके अयोध्या आवे, इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई संतुष्ट हैं तो माँ केकई। इसलिए केकई जी का नाम सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिया। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी, और संपूर्ण राज परिवार को सबको लेकर चल पड़े। रास्ते में निषाद राज गुह ने भरत जी का अद्भुत स्वागत किया है, अनेक प्रकार की स्वागत सामग्री प्रस्तुत की। भरत जी ने उन स्वागत सामग्रियों को महाराज श्री भरत जी महाराज को निषाद राजगुह ने अनेक प्रकार की स्वागत सामग्री प्रस्तुत की, लेकिन भरत जी का मन तो भगवान के चरणों में लगा रहा। उन सारी स्वागत सामग्रियों को देख लिया लेकिन विरक्त भाव से ही रहे। फिर निषाद राजगुह को लेकर भरत जी आगे बढ़े हैं, गंगा पार किया पूरे परिजनों के सहित, तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने अयोध्यावासियों की सेवा के लिए अपने तपोबल से विलक्षण व्यवस्था की। महाराज वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, ऐसी विलक्षण व्यवस्था की, संकल्प मात्र से, भरद्वाज जी के संकल्प मात्र से सुंदर सुंदर महल बन गए, हजारों अप्सराएं आ गईं, दासियां आ गईं, दास आ गए, और अयोध्यावासियों की ऐसी अद्भुत सेवा भई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदा सप्तचाष्टच। अयोध्या से जितने लोग गए थे, एक अयोध्यावासी की सेवा करने के लिए आठ आठ दासियां थीं। अब कल्पना करो इतनी बड़ी व्यवस्था भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से किया। तप बल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण का बल उसका तप ही है। तपस्या से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तपस्या से ही सब कुछ होता है, तप से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवाद दिसंवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिश्रतो वसी सूर्या चंद्रमशौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। वेद कहता है तप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से ऐसी दिव्य व्यवस्था की कि भरत जी के साथ जितने लोग आए, एक एक व्यक्ति के ऊपर आठ आठ सेवक। अब सोचो कैसी सेवा भई होगी। ऐसी सेवा भई महाराज, स्वर्ग से नारद जी आ गए। नारदस्तुम्बुरुर गोप प्रभया सूर्य वर्चस एते गंधर्व राजानो भरतस्याग्रतो जगुः। प्रयाग में श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में भरत जी जब बैठे, तो भरत जी राजपुत्र हैं और राजा के स्वागत के लिए गीत संगीत तो होना ही चाहिए, तो किसी सामान्य गाने बजाने वाले को भरद्वाज जी ने नहीं बुलाया। स्वर्ग के सबसे बड़े गवैया कौन है? बोले नारद जी महाराज। नारद जी आए भरत जी के स्वागत के लिए। नारदो नारदस्तुम वरुर गोपः, नारद जी और स्वर्ग में इंद्र के दरबार में गायन करने वाले तुम्बरु नाम के जो गंधर्व थे, वो ये सब आए और भरत जी का स्वागत किया। अब इस स्वागत को देख करके भरत जी का तो मन नहीं अटका, भरत जी का मन तो ठाकुर के चरणों में लगा है। लेकिन एक बात सुन करके आपको बड़ी हंसी आएगी कि जितने अयोध्यावासी थे सबने यही कहा
कि अब राम जी चाहे वन में रहें चाहे अयोध्या रहें, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो यहीं प्रयाग में ही रहेंगे। ऐसी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं मिल सकती। सभी अयोध्या वासियों ने कहा नैवा अयोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान, न अब हम लौट करके अयोध्या जाएंगे और न दंडकारण्य जाएंगे। कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम, भरत का कल्याण हो, राम जी का कल्याण हो, जिसको जो करना हो सो करे, हम लोग तो यही आनंद से रहेंगे। भूल गए महाराज राम जी। महाराज ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये विषयों का भोग माया ये भगवान को कब भुला दे कोई ठिकाना नहीं। महाराज विषय भोग को प्राप्त करके, सुख सामग्रियों को प्राप्त करके, माया के चक्कर में पड़ करके अयोध्या वासियों का मन भी कुछ क्षण के लिए बदल गया। ये माया बड़ी ठगनी है, बड़ों बड़ों को नचा देती है। महाराज माया बहुत बड़ी जादूगरनी है। एक पद है, सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, कोया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे, कोया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे, कोया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे, कोया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, जाके बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जल बाँचे, जाके बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जल बाँचे, जाके बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जल बाँचे, जाके बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे, यही सदगुरु ले बचाए हरि माया जादू करनी, यही सदगुरु ले बचाए हरि माया जादू करनी, 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे, जब पंथ जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे, बचबे को कौन उपाय हरि माया जादू करनी, बचबे को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी,
जो राम नाम नित बोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर दई गुरुवर दई गुरुवर गेल बताए हरि माया जादू करले, दई गुरुवर गेल बताए हरि माया जादू करले, सब जग को रही न जाए हरि माया जादू करले, सब जग को रही न जाए हरि माया जादू करनी, 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 अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू करनी, सब जग को रही न चाहे हरि माया जादू करनी, सब जग को रही न चाहे हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ों बड़ों को ठग लेती है महाराज। शिव विरंच कै मोहई कोहे बपुरा आन, ब्रह्मा शंकर भी इस माया से मोहित हो जाते, सामान्य प्राणी की क्या। और ये कितनी विलक्षण है, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है। तो अर्जुन ने कहा महाराज बचने का उपाय क्या है, तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो इस माया से तर जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए भगवान के शरण में ही रहो। माया माने जाल, और जाल किसका है, बोले भगवान का, ये माया जाल भगवान ही का है। और भगवान के शरण में जाओगे तभी बचोगे, बोले कैसे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य श्री वैकुंठवासी श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आपने देखा होगा कि वो मछली पकड़ने वाले धीवर जाल को लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, घुमा के फेंका, अब उस जाल को देख करके जो मछलियाँ भागी वो तो फंस गई, और जो जाल फेंकने वाले के पैर के पास थी वो वहीं खेलती रही, वो जाल में नहीं फंसी। तो जाल फेंकने वाले के पैर के पास रहने वाली मछली उस जाल में नहीं फंसती है, जो दूर रहती वो फंसती है। उसी प्रकार ये माया का जाल भगवान का है, भगवान के शरण में रहोगे तो इस जाल में नहीं फंसोगे। जिमि हरि शरण न एकहुं बाधा, भगवान की शरण में रहने पर कोई बाधा नहीं। बंधुओं, अयोध्यावासी इस भोग विलास को देख करके कुछ क्षण के लिए व्यामोहित हुए। देखो भगवान के भक्तों पर भी कभी कभी माया का आक्रमण होता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बचा लेते हैं, भगवान ही तो रक्षक हैं। फिर तो भरत जी महाराज का सत्संग प्राप्त करके उनका मन सबका पुनः स्थिर हो गया ठाकुर के चरणों में, और सब चित्रकूट के लिए चल पड़े। चित्रकूट की सीमा में जब प्रवेश किया, सेना को आते देख करके पशु पक्षी व्याकुल होकर के भागने लगे। लक्ष्मण जी महाराज दौड़ करके गए, एक साल वृक्ष था, शालमली का वृक्ष, उसी वृक्ष के ऊपर लक्ष्मण जी चढ़ करके देखने लगे कि आखिर बात क्या है। उत्तर दिशा से ये पशु पक्षी भागते हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या कारण है। वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो अयोध्या की चतुरंगिणी सेना का ध्वज दिखाई पड़ा, अयोध्या की सेना दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी महाराज सोचने लगे
कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में पाप आ गया हो। अयोध्या का राज्य प्राप्त करने के बाद सेना लेकर के भरत चित्रकूट आ रहे हैं इसलिए कि जंगल में चल करके राम लक्ष्मण को मार दें, समाप्त कर दें, जिससे सदा सदा के लिए हमारा राज्य निष्कंटक हो जाए। भरत जी के ऊपर लक्ष्मण जी को संदेह हो गया। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी नीचे आए उतर करके और भगवान श्री राम से कहा, प्रभो आवाम हंतुम समभ्येति कैकेया भरतस्सुतः, हमको आपको मारने के लिए केकई के पुत्र भरत आ रहे हैं। एष वै सुमहान श्रीमान बिटपी संप्रकाशते, लेकिन प्रभो आप चिंता न करें, आने दो भरत को, मैं भरत को इसी चित्रकूट में मृत्यु की शैया पर सुला दूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा, और भरत के वध में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरतस्य वधे नाहम दोषम पश्यामि राघव। हे राम, हे प्रभु, भरत के वध में कोई दोष नहीं है, क्यों? बोले पूर्वापकारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते, अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई पाप किया है तो उस पाप कर्म के बदले में उसको अगर दंड दिया जाए तो वो दंड देना पाप नहीं होता, वो वध पाप नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जो जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाता है उसको किसी की हत्या का पाप नहीं लगता, क्यों? बोले वो पहले किए हुए पाप, जिस व्यक्ति ने पाप किया उसको दंड दे रहा है इसलिए उसको पाप नहीं लगता। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि भरत अपराधी हैं और ऐसे भरत को मार देने में कोई पाप नहीं लगेगा। भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। और इतना ही नहीं, राज्य की कामना करने वाली केकई अगर वो साथ में आ रही होंगी तो उनको भी मैं मार डालूंगा। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबंधाम सबांधवाम, और जो व्यक्ति भरत और केकई का पक्ष लेकर के आज मेरे सम्मुख आएगा मैं उन सबको मार डालूंगा, आज ये चित्रकूट मेरे बाणों से आच्छादित हो जाएगा। अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशितैः सरैः, हमारे बाण से आज ये चित्रकूट आच्छादित हो जाएगा और इन अयोध्यावासियों के रक्त से, भरत की सेना के रक्त से आज ये मंदाकिनी की धारा रक्त रंजित हो जाएगी। ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशयः, और सेना के सहित भरत को मार करके आज मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, कृतकार्य हो जाऊंगा, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज रोष में बोलने लगे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के भगवान ने लक्ष्मण को शांत किया, लक्ष्मण ऐसा मत सोचो, मेरा भरत अगर आ रहा है तो सद्भाव से आ रहा है, उसके मन में कोई पाप नहीं हो सकता। और लक्ष्मण, जहां तक भरत को मार देने की और राज्य की बात है तो जिस राज्य की प्राप्ति अपने बंधुओं का वध करने पर हो ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं, मैं तो भरत के बिना, तुम्हारे बिना, शत्रुघ्न के बिना स्वर्ग की भी कामना नहीं करता हूं। लक्ष्मण, मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, मुझे तो लगता है कि प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम मे दातुमागतः, लगता है कि भरत ने पिताजी को प्रसन्न कर लिया है और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके अयोध्या का राज्य मुझे देने के लिए भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी शांत हो गए, चुप हो गए। फिर भी लक्ष्मण जी ये बात मानने को तैयार नहीं, तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण बार बार तुम राज्य की बात करते हो, मुझे तो लगता है कि राज्य से तुमको बहुत प्रेम है और राज्य से तुमको इतना ही प्रेम है तो चिंता मत करो, आने दो भरत को, मैं भरत से कहूंगा, भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो। तो जानते हो लक्ष्मण, मेरा भरत क्या कहेगा, भरत यही कहेगा कि बाढ़ इत्येव मंस्यते, बाढ़म इति एव, केवल एक शब्द कहेगा मेरा भरत, बाढ़म, बहुत बढ़िया आपने जो कहा, लो लक्ष्मण को राज्य दे दो। इस प्रकार जब राम जी ने कहा
तो लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए और शांत हो गए। तब तक श्री भरत जी महाराज अपने परिकरों के सहित पहुंच गए हैं। दूर से ही भगवान को कुटिया में बैठे हुए देखा है। भरत जी दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। पाही नाथ कहीं पाए गोसाई, पाही नाथ कहीं पाए गोसाई, भूतल पर ले कुट की नाई, भूतल पर ले कुट की नाई, सारू जात कहीं पाए गोसाई, पाही नाथ कहे पाए गोसाई, सालुज सखा समेत मगन मन, सालुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख घन, बिसरे हरस शोक सुख दुख घन, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। भगवान ने दौड़ करके रघुनाथ जी ने भरत जी को उठा लिया और उठा करके भरत जी को अपनी गोद में राम जी ने बैठा लिया। ले गोद में तो छोटे से बच्चे को बैठाया जाता है, और भरत जी बोले भरत जी में राम जी में अवस्था में कितना अंतर है? बोले केवल 18 घंटा का अंतर है। राम जी भरत जी से 18 घंटे बड़े हैं बस। अवस्था आकृति प्रकृति एक जैसी है, लेकिन भैया भरत को राम जी ने बालक के समान उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य, अंके अपनी गोद में, गोद में बैठाकर पर्य प्रच्छति सादरम, आदर पूर्वक भगवान श्री राम भरत जी से पूछने लगे। यहां देखो कैसी सुंदर नीति का राम जी ने पालन किया है। नीति और प्रीति तो भगवान ही समझते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को उन राम सम जान यथारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ, को न राम सन जान यथारथ, नीत प्रीत पर मारत स्वारत, नीत प्रीत पर मारत स्वारत, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ यथार्थ में क्या है ये राम जी ही जानते हैं। प्रीति क्या है? बोले भरत छोटे भाई हैं और छोटा भाई पुत्र के समान होता है। इस भाव से पुत्र को जैसे गोद में बैठाया जाता है, उसी प्रकार राम जी ने भरत जी को गोद में बैठा लिया। अंके भरतमारोप्य आघ्राय रामस्तम मूर्धनि, और भरत के मस्तक को पकड़ करके राम जी ने सूंघा ऐसे। ये परंपरा है, वेदों में इसका वर्णन है। अपने से छोटा छोटा भाई पुत्र कहीं से आवे तो आशीर्वाद देने की यही विधि है कि उसके मस्तक का घ्राण करना चाहिए, मस्तक को सूंघ लेना चाहिए। ये मस्तक घ्राण ही आशीर्वाद है। राम जी ने भरत के मस्तक का घ्राण किया, सूंघा। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम, हृदय से लगाया, गोद में बैठा लिया। यहां तक तो पिता की भूमिका निभाई, बड़े भाई की भूमिका, ये प्रीति है। और अब नीति क्या कह रही है कि भरत युवराज है, महाराज ने इनको राज पद दिया है अपने वचन के अनुसार, और राजा छोटा ही क्यों न हो वो आदरणीय होता है। इसलिए आदर पूर्वक राम जी ने भरत जी से पूछना प्रारंभ किया। पर्य पृच्छत सादरम, सादरम आदर के सहित पूछने लगे और भरत का आदर करते हुए भरत जी से अयोध्या का समाचार पूछते। यही भगवान की नीति और प्रीति है।
प्रीति के भी पंडित हैं और नीति के भी पंडित हैं। भगवान भरत जी से पूछने लगे और इसी पूछने के क्रम में भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश दिया है राम जी। एक सर्ग में आइए शास्त्री विराजमान हमारे श्री पवन शास्त्री जी, बचपन के सखा हैं, हम लोग साथ ही साथ पढ़ते रहे और सरजू जी के किनारे वहीं आपका आश्रम, और जब परीक्षा हो तो हम अपनी पोथी पत्रा लेके इन्हीं के यहाँ चले जाएं, रात भर पढ़ें, सवेरे 4 बजे सरजू स्नान करके तब दंड कमंडल लेके चले आते, बड़ी कृपा। अभी हम लोग यहाँ कथा में आने के एक दिन पूर्व गोरखपुर में एक यज्ञ में आपका भी प्रवचन था और मुझे भी जाना था, एक दिन का संयोग प्राप्त हुआ। आइए इनका स्वागत है, माल्यार्पण करें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम ने अयोध्या का समाचार पूछने के क्रम में भरत जी को पूरी राजनीति का उपदेश भी दिया है। पूछा है, अयोध्या का सब समाचार ठीक है? सेवक लोग समय से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? गुप्तचरों के द्वारा गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि नहीं होती? और जिन सेवकों से समय से अतिरिक्त सेवा ली जाती है, क्या उनको अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जाता है कि नहीं किया जाता है? क्यों बोले, सेवक से आप सेवा ज़्यादा लो, वेतन कम दो तो कौन सेवक रहेगा? राम जी पूछते हैं कि समय से सेवकों को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ये सब पूछते हुए राजधर्म का राम जी ने उपदेश किया। और पूरी बात जब समाप्त हो गई तो राम जी ने पूछा, भरत पिताजी के रहते ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि तुम्हें यहाँ वन में आना पड़ा? तब श्री भरत जी महाराज ने पिता के मृत्यु का समाचार भगवान को सुनाया। धीमान स्वर्गम गतो राजा याजूकस्सताम मतः। भरत जी ने कहा, भैया आपके वन चले आने के बाद सुमंत जी जब लौट करके अयोध्या पहुंचे, आप नहीं आए, आपके वियोग में महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। त्वया विहीनस्तव शोक रुग्णस्त्वां स्मरन्नेव गतः पिता ते। तुम्हारे शोक में महाराज कहां विराजेंगे? सोफा लगा दे भैया। जय सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की जय। अभी हमारे मध्य में हमारे गुरु भ्राता और शास्त्र के प्रकांड पंडित पंडित प्रकांड पंडित श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी वाराणसी, जो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं, और आपने मीमांसा शास्त्र में अनेक प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया है, पातित्य पेटिका, धर्म शुद्धि, रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, प्रेम पत्रम, अनेक प्रकार के ग्रंथों का और दिव्य लेखन किया, काव्य की कला अद्भुत, श्लोक रचना की शैली क्षमता, और शास्त्रार्थ महारथी हैं महाराज। ये सब विद्वानों का दर्शन आप लोगों के पुण्य का फल है महाराज। नासिक कुंभ में वैष्णव सम्मेलन हो रहा था और वैष्णव सम्मेलन में पूज्य जगतगुरु स्वामी जी महाराज और आप थे। शास्त्र की चर्चा जब मंच पर प्रारंभ हुई, संस्कृत में धारा प्रवाह दोनों लोगों का प्रवचन उत्तर प्रति उत्तर सुन करके हृदय लोगों का गदगद हो रहा था। ऐसे शास्त्र के रक्षक
शास्त्र के प्रति निष्ठा रखने वाले विद्वान हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज पधारे, इनका भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी नमो राघवाय नारायण। श्री भरत जी महाराज ने कहा कि त्वया विहीनस्तव शोकरुग्नस्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते। आपके वियोग में दुखी होकर आपका स्मरण करते हुए पूज्य पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर के दशरथ जी महाराज और भगवान श्री राम बड़े व्यथित हुए और भगवान श्री राम रोने लगे। यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। मेरे शोक में मेरे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और मैं अपने हाथों से अपने पिता का संस्कार नहीं कर सका। मेरे हाथों से उन्हें अग्नि भी प्राप्त नहीं हो सकी, ये मेरा दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम सीता जी को पकड़ करके रोते हुए कहते हैं, मृतस्ते सीते स्वसुरः। सीते मृतस्ते स्वसुरः, हे सीते तेरे ससुर मर गए। पितृहीनोऽसि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तू पिता से हीन हो गया, तेरे पिता की मृत्यु हो गई। कभी लक्ष्मण को पकड़ करके विलाप करते, कभी सीता जी को पकड़ करके विलाप करने लगते। बड़ी विलक्षण दशा राम जी की हो गई। फिर तो भगवान श्री राम ने भरत से कहा, मुझे ले चलो, मैं अपने पिता को जलांजलि दूंगा। भगवान श्री राम को लेकर के मंदाकिनी के तट पर गए हैं। मंदाकिनी में स्नान करके अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी महाराज को जल दिया, पिंडदान किया, कंदमूल फल से पिंडदान किया। और पिंडदान करते समय भगवान श्री राम ने कहा कि इदं भुंक्ष महाराज प्रीतो यदशनावयम्। हे महाराज, ये प्रीति पूर्वक जो मैं आपको पिंडदान कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें। यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जो खाता है, ग्रहण करता है, उसके देवता भी वही ग्रहण करते। आजकल मैं वनवासी हूं और कंदमूल फल ही ग्रहण करता हूं, इसलिए यही मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, आप भी इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर के कंदमूल फल के द्वारा अपने पूज्य पिता का पिंडदान किया। पिंडदान आदि क्रिया जब संपन्न हो गई, सब लोग बैठे, शोक व्याप्त था। उस समय भगवान श्री राम ने भरत जी को, अयोध्यावासियों को अपने ज्ञानमय उपदेश के द्वारा शांति प्रदान की। भगवान श्री राम ने कहा, भरत सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया। इस दुनिया में जितना कुछ भी संग्रह कर लो, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लो, एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। संजोगा विप्रयोगांता, संसार में किसी से अगर संजोग हुआ है तो वियोग होगा। मरणांतम च जीवितम, और अगर कोई पैदा हुआ है तो एक दिन मरेगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये संसार का धर्म है। जिस प्रकार से यथा फलानाम पक्वानाम नान्यत् पतनाद् भयम्, एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम्। जैसे पेड़ में फल लगता है और फल जब पक जाता है तो उसके गिरने का भय नहीं होता। क्यों? बोले अब तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पक चुका है। उसी प्रकार इस मृत्युलोक में आने के बाद एक दिन व्यक्ति को मरना ही है। ये तय जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा।
अद्यवा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं इस दुनिया में जो पैदा हुआ एक दिन तो मरेगा ही मरेगा, इसलिए मृत्यु से मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि सहैव मृत्युर्बजति सह मृत्युर्निषीदति। मृत्यु कहीं से आती नहीं है। तब बोले जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसकी मृत्यु भी उसी दिन उसके साथ पैदा होती है, उसी के साथ उसकी मृत्यु भी पैदा होती है। और जहां जहां जाता है उसकी मृत्यु उसके साथ साथ रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आएगी। जहां व्यक्ति जाता है, जहां बैठता है, उठता है, मृत्यु हर क्षण उसके साथ रहती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि सहैव मृत्युर्ब्रजति, व्यक्ति मृत्यु के साथ ही चलता है। सह मृत्युर्निषीदति, मृत्यु के साथ ही व्यक्ति बैठता है। और गत्वा सुदीर्घम अध्वानम सह मृत्युर्निवर्तते, मृत्यु हर क्षण उसके साथ रहती है, बस समय आने पर वो अपना काम कर देती है। और मृत्यु जगत का सत्य है। इस संसार रूपी सागर का एक किनारा जन्म है और दूसरा किनारा मृत्यु। जैसे समुद्र के दो तट होते हैं, एक तट पर व्यक्ति समुद्र के तट पर खड़ा हो जाए तो जिस तट पर व्यक्ति खड़ा रहता वो तट तो उसे दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरा तट नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन होता जरूर है। क्यों? बोले ये तट है तो वो भी तट होगा। उसी प्रकार से जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु होगी। जन्म के तट पर हम खड़े रहते हैं लेकिन मृत्यु का तट हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है, समय आने पर मृत्यु अपना काम करेगी। संसार की अनित्यता का, असारता का उपदेश किया भगवान ने, लोगों का मोह भंग हो गया, दुख दूर हुआ। और फिर भरत जी महाराज ने अपने मंतव्य को कहा कि आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, हम लोग इसीलिए आए हैं। सारी बातें भरत जी ने कही। राम जी ने कहा नहीं, जिस पिता ने अपने वचन को सत्य करने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया उस पिता के सत्य की रक्षा तब होगी जब मैं वन में रहूंगा और तुम अयोध्या में रहोगे, अन्यथा मेरे पिता की मृत्यु भी व्यर्थ हो जाएगी। जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक को त्याग दिया वो सत्य नहीं बचेगा, इसलिए मैं लौट करके अयोध्या नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष मैं वन में ही रहूंगा, इसके बाद ही अयोध्या जाऊंगा। भरत जी ने कहा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भरत जी अनशन पर बैठ गए तो राम जी ने भरत जी को समझाया, भरत राजा को अनशन करने का अधिकार नहीं होता। प्रजा आंदोलन करे, अनशन करे, लेकिन जो पद प्रतिष्ठित होता है उसे अनशन करने का अधिकार नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा इसलिए तुम्हें यह अधिकार नहीं। अंत में भरत जी जान गए कि सेवक का धर्म हठ नहीं होता, सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन है। स्वामी की प्रसन्नता ही सेवक का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें इनको प्रसन्नता हो वही मुझे करना चाहिए। और भरत जी ने कहा प्रभु आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा का हम पालन करें, हम ही नहीं संपूर्ण अयोध्या, हम सब आपके सेवक हैं, आपकी हर आज्ञा का हम पालन करेंगे, आपकी जो रुचि हो आप अपनी रुचि कहें। तो भगवान ने कहा मेरा मंतव्य तो यही है कि तुम अयोध्या जाओ, अयोध्या के राज्य का संरक्षण करो, 14 वर्ष बीतने के बाद मैं लौट करके अयोध्या आऊँगा, फिर तुम मुझे राज्य सौंप देना, मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन अभी मैं नहीं स्वीकार करूँ, ये 14 वर्ष की अवधि तो मैं वन में व्यतीत करूँगा। भरत जी ने भगवान के मंतव्य को समझ लिया और अयोध्या जाने को तैयार हो गए। और भरत जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा मान करके मैं अयोध्या तो चला जाऊंगा। प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन
मूल कपाट कर कुशल कर्म के, मूल कपाट कर कुशल कर्म ते, विमल नयन सेवा सुधर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अबेलम लहे थे, भरत मुदित अबेलम लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी महाराज को यही अनुभव हुआ कि मुझे राम जी मिल गए। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। उन दोनों पादुकाओं को प्राप्त करके भरत जी ने यही अनुभव किया कि ये पादुका अवतार हो गया भगवान का। राम जी ही पादुका के रूप में मुझे प्राप्त हो गए। एक पादुका राम जी का स्वरूप और एक पादुका श्री जानकी जी का मानव स्वरूप, मानो जुगल सरकार का पादुका के रूप में अवतरण हो गया, ऐसा अनुभव किया भरत जी ने। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे, मानो ये पादुकाएं ही श्री सीता रामचंद्र जी। इस भाव से भरत जी ने अनुभव किया, पादुकाओं को सिर पर धारण किया और प्रसन्न होकर के अयोध्या चलने को तैयार हो गए। भगवान की ये पादुकाएं साक्षात भगवान का ही रूप है और संपूर्ण सृष्टि का योगक्षेम वहन करने में समर्थ है। पादुकाओं की कितनी महिमा है, भगवान के पादुका की कितनी महिमा है, ये हम आप नहीं कह सकते, वर्णन करना असंभव है। हमारे पूर्वाचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने भगवान की पादुकाओं की महिमा का वर्णन करने के लिए 1000 श्लोकों में एक ग्रंथ को निबद्ध किया है, जिसका नाम है पादुका सहस्रम। और पादुका सहस्रम ग्रंथ में 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं की महिमा का वर्णन किया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अभी तक उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं था। आज से 6 वर्ष पूर्व हरिद्वार कुंभ 2010 के अवसर पर हमारे गुरु भ्राता पंडित प्रकांड श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की मीमांसा विभागाध्यक्ष हैं, आपने ही उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद बड़े मनोयोग से किया। बड़ा भारी कलेवर है, इतना मोटा ग्रंथ है। और अब हिंदी भाषियों के लिए भी पादुका सहस्रम का आस्वादन सुलभ हो गया। पादुका सहस्रम ग्रंथ में वेदांत देशिक स्वामी जी ने भगवान की पादुकाओं की बड़ी विलक्षण महिमा का वर्णन किया। एक श्लोक में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राय प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत्। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा पर परसों जाना चाहता है तो 2 दिन पहले ही वो अपना प्रस्थान निकाल देता है, प्रस्थान भेज देता है, प्रस्थान किसी के यहाँ रखवा दिया तो प्रस्थान चला गया, इसका मतलब उसकी यात्रा तय है, अब परसों वो जाएगा ही जाएगा। उसी प्रकार से मानो भगवान ने पादुकाओं को अयोध्या भेज करके अयोध्या आने का प्रस्थान भेज दिया कि हम अयोध्या आएंगे ही आएंगे, भगवान का लौटना आना तय हो गया, मानो ऐसा अनुभव किया। और भरत जी महाराज अनुभव करने लगे। भरत जी तो पहले सोच रहे थे कि अयोध्या का गुरुतर भार, इस राज्य का भार मैं कैसे वहन करूंगा। तो जब भगवान ने अपनी पादुका प्रदान की तो भरत जी ने यही सोचा कि सारे ब्रह्मांड का भार धारण करने वाले भगवान हैं और जो भगवान को भी धारण करने वाली ये पादुकाएं हैं, यही अयोध्या का संहार करेंगी, यही अयोध्या को संभालेंगी, ये आश्रय मुझे मिल गया। इस भाव से पादुकाओं को भरत जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया
और आनंद पूर्वक पादुकाओं को लेकर के श्री अवध आए और नंदिक ग्राम में पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। नित्य प्रति उन पादुकाओं की पूजा करते और पादुकाओं की अनुमति लेकर के राज्य की व्यवस्था का संचालन करते। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज पादुका सहस्रम के प्रारंभ में कहते हैं कि ऐसे श्री भरत जी को हम प्रणाम करते हैं जिन भरत जी ने पादुका की भक्ति क्या है, अपने आराध्य की पादुकाओं की भक्ति कैसे करनी चाहिए, उनके तिरुबड़ी श्री चरण पादुका की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, ये भक्ति भरत जी ने करके दिखाया। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम यदुपग्यमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। भगवान राम की पादुका का प्रभाव सारे जगत में भरत जी ने प्रकट किया, ऐसे भरत के चरणों में हम प्रणाम करते। श्री भरत जी महाराज उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या चले आए और भगवान राम चित्रकूट में निवास करते। एक दिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब यहां रहना ठीक नहीं है चित्रकूट में। क्यों? भगवान ने कहा, लक्ष्मण यहां चित्रकूट में भरत आए, अयोध्यावासी आए और अब अयोध्यावासियों ने यह स्थान देख लिया है, अब तो अयोध्यावासियों का यहां आना जाना लगा रहेगा और बार बार लोग आएंगे जाएंगे, तो ये शांत एकांत जो चित्रकूट मुनियों की तपस्थली है ये अशांत हो जाएगी, मुनियों का भजन बाधित होगा, इसलिए अब हम लोगों को यहां से कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। ज्यादा लोगों का आना जाना भी महात्माओं के भजन और साधन में बाधक बन जाता है। लोग सोचते हैं महाराज हमसे मिले नहीं, हम आए दो घंटे प्रतीक्षा करते रहे। बोले आदमियों का अधिक आना जाना मिलना भी संत महात्माओं की साधना में बाधक बन जाता है और कभी कभी अपनी साधना की सुरक्षा के लिए महात्मा संतों को भी कठोर होना पड़ता है, उसको लोग अन्यथा समझ लेते हैं, लेकिन वो मजबूरी होती, न करें तो सारी साधना ही समाप्त हो जाए। हमारे बुढ़वा सरकार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जगदाचार्य विश्ववंद्य लक्षयिक शिष्य समादृत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज 112 वर्ष लगभग पूर्ण करके उन्होंने शरीर को छोड़ा, ऐसे योगी थे, परम ज्ञानी विद्वान तपस्वी वीतराग, लेकिन ज्यादा भीड़ उनके पास आवे तो ऐसा क्रोध करते थे कि डर के मारे कोई उनके पास नहीं आता, ऐसे बड़े सरल बड़े विलक्षण तो ऐसा क्यों करते थे? बोले इसलिए कि लोग नहीं आएंगे तो हमारा भजन और साधन चलता रहे। भगवान श्री राम ने कहा लोगों का आना जाना यहां शुरू होगा तो ऋषि मुनियों की साधना बाधित होगी, इसलिए लक्ष्मण यहां से कहीं अन्यत्र हम लोगों को चलना चाहिए। और दूसरी बात कि साच मे स्मृति रन्वेति तान नित्यम अनुशोचतः, अगर हम लोग यहां रहेंगे तो बार बार हमें अयोध्या की याद आएगी कि यहां भरत से मिले थे, यहां माताएं मिली थी, यहां अयोध्या के लोग आए थे, बार बार अयोध्या की याद आएगी और चिंता होगी दुख होगा, इसलिए हम लोगों को आगे चलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जैसी आज्ञा, चल पड़े। चित्रकूट से आगे दक्षिण दिशा की ओर चले हैं, अत्रि मुनि का आश्रम मिला है। अत्रि मुनि ने अत्रि के आश्रम जब गयो, अत्रि के आश्रम जब गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, सुनत महामुनि हर
चित भयो हो सुनत महामुनि हर सित भयो अत्रि के आश्रम जब गयो हो अत्रि के आश्रम प्रभु गयो हो। अत्रि मुनि के आश्रम भगवान पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने मुनि के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अत्रि मुनि की पत्नी अनसूया ने जानकी जी को दिव्य आभरण, श्रृंगार, वस्त्र प्रदान किए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। ऐसे दिव्य वसन भूषण जो कभी मलिन होने वाले नहीं हैं, जे नित नूतन अमल सुहाए, ऐसे दिव्य आभूषण वस्त्र अनसूया जी ने जानकी जी को दिया है। और पातिव्रत धर्म का अनसूया जी ने उपदेश किया है जानकी जी को। पातिव्रत धर्म की महिमा क्या है ये अनसूया जी ने जानकी जी को बताया। स्त्रियों का परम धर्म पातिव्रत ही है। पति के चरणों में अनन्य भक्ति से ही स्त्री को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिनु श्रम नारी परम गत लहै, बिना परिश्रम के ही नारी पति के चरणों में अनुराग करके परम गति को प्राप्त कर लेती। और शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि बिना पति के चरणों की उपासना से नारी का उद्धार नहीं हो सकता। और नारी के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। माला जपना, तपस्या करना, वेद पुराण पढ़ना, ये सब नारी का धर्म नहीं। ये सब करे न करे कोई मतलब नहीं। पति के चरणों की सेवा ही उसके लिए परम धर्म है। और उतने मात्र से ही उसको सब सुख प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अनसूया जी ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम ही नारी का परम धर्म। और नारी सोचे कि हम जाकर के जंगल में तपस्या करें कंठी माला लेकर के, बोले उस तपस्या से उसकी सदगति नहीं होगी। योग करें, यज्ञ करें, बोले कदापि नहीं। शास्त्र अगर सत्य है तो बिना पति का आश्रय लिए, बिना पति के चरणों की भक्ति किए नारी को सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र सब कुछ है, माना शास्त्र प्रमाण से ही चलना चाहिए। यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितम्। इसलिए नारी का यही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है, अनसूया जी की जो माता जी हैं, कौन, देवहूति, जिनका विवाह महर्षि कपिल के साथ, ओ कर्दम जी के साथ हुआ, कपिल उनके पुत्र। तो देवहूति का जब विवाह हुआ तो वहां पर भी भागवत में यही वर्णन है कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, माता पिता मनु सतरूपा के चले जाने के बाद पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति कर्दम की सेवा करने लगी। और वहां पर देवहूति को साध्वी कहा है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, साध्वी किस स्त्री को कहते हैं, बोले जो पति परायणा होती है उसी को साध्वी कहते हैं। आजकल इस शब्द का भी लोग गलत अर्थ समझने लगे, लेकिन साध्वी का मतलब पति परायणा, सती साध्वी, उसी को सती कहते हैं, उसी को साध्वी कहते हैं। साध्वी का मतलब ये नहीं कि जिसने विवाह नहीं किया और साधु बन जाए वो साध्वी, ये अर्थ नहीं है। साध्वी का मतलब पतिपरायणा, पतिव्रता स्त्री को ही साध्वी कहा गया है शास्त्र में। तो सीता जी को अनसूया जी ने नारी धर्म का उपदेश किया। बिनु श्रम नारी परम गति लहै, बिनु श्रम नारी परम गति लहै, बिनु श्रम नारी परम गति लहै, पति व्रत छाणि
चल गए पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गए बिनु श्रम नारी परम गति रहे बिनु श्रम नारी परम गति रहे परम गति रहे परम गति रहे बिना श्रम के ही नारी को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी उदाहरण है वृंदा, वृंदा का ही उदाहरण दिया है अनुसूया ने। वृंदा का पति राक्षस था और राक्षस पति की भक्ति की, लेकिन पातिव्रत धर्म का प्रभाव कि वृंदा को सदा सदा के लिए भगवान मिल गए, तुलसी को भगवान सदा के लिए मिल गए। श्री ब्रह्मलीन धर्म सम्राट श्री कर्पात्री स्वामी जी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि तुलसी को भगवान ने किस प्रकार अपनाया कि तुलसी का कभी भगवान से वियोग हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। चार पहर 64 घड़ी और ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी, शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती, कभी वो अलग नहीं होती ठाकुर। ये सौभाग्य तुलसी को प्राप्त हुआ कैसे, बोले पातिव्रत धर्म के प्रभाव। अनुसूया जी ने सुंदर धर्म का उपदेश किया, वहां से विदा होकर के श्री सीताराम चंद्र जी कुमार लक्ष्मण आगे चले। अब भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो भगवान की ये कथा भी अरण्य कांड में दंडकारण्य में प्रवेश करती है, क्योंकि भगवान का चरित्र ही भगवान की कथा है। जहां भगवान रहेंगे वहीं भगवान की कथा रहेगी, तो भगवान अगर अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान की कथा भी कहां प्रवेश करेगी, अरण्य कांड में प्रवेश करेगी। यहीं पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण होती है और अरण्य कांड की कथा प्रारंभ होती है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रम मंडलम। दंडकारण्य में राम जी ने जब प्रवेश किया तो बड़े बड़े दुर्धर्ष महर्षियों के आश्रम को, तपस्वियों के मंडल को, समूह को राम जी ने देखा और उन महर्षियों ने भगवान को देखा तो सभी महर्षियों ने भगवान का मंगलाशासन किया है। मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः रूपसन्नहनं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां दधिसुरविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। उन वनवासी महर्षियों ने भगवान राम के सौंदर्य को, माधुर्य को, रूप की कांति को देखकर इतने भाव विह्वल हो गए कि सब भगवान का मंगला शासन करने लगे, कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं, सुंदर हैं, कितने सुकुमार हैं, इनका वेश कितना सुंदर है। यहां तो महर्षि वाल्मीकि ने इतना ही लिखा कि भगवान की सुकुमारता को देखकर, सुंदरता को देखकर कहीं ठाकुर का अमंगल न हो जाए इसलिए महर्षि लोग मंगल मनाने लगे। लेकिन वेदव्यास जी महाराज तो पुराण में वर्णन करते हैं कि दंडकारण्य के जितने मुनि थे भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम्। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर, भगवान की रूप माधुरी को देखकर दंडकारण्य के मुनियों में ये भाव उत्पन्न हो गया कि कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, अगर कहीं हम स्त्री होती तो इनको अपना पति बना लेती, ये भाव प्रकट हो। इतने सुंदर राम जी हैं कि अगर मैं कन्या होती तो इन्हीं का वरण करती, ये भाव उन महर्षियों के मन में आ गया। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम्। और उन महर्षियों ने अपने मनोभाव को भगवान से निवेदन भी कर दिया तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इस अवतार में आपकी इस कामना को तो मैं नहीं पूर्ण कर सकता, लेकिन आने वाले समय में द्वापर में कृष्णा अवतार होगा, आप सब लोग गोपी बनकर के प्रकट हो जाना वृंदावन में, सबके मनोरथ को पूर्ण कर दूंगा। तो दंडकारण्य के जितने मुनि थे
वे दंडकारण्य के मुनि लोग ही गोपी बनकर के प्रकट हुए, ऐसा पुराणों में वर्णन। ब्रजे गोप्यो भविष्यत, ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट। तो वृंदावन में जो गोपियां हैं ना, वो गोपियां साधारण नहीं है। दंडकारण्य के ऋषि मुनि गोपी बने, स्वर्ग की देवांगनाएं गोपी बनी, भगवान शंकर भी गोपी बने। वेद के जितने मंत्र हैं, जितनी श्रुतियां हैं, वो श्रुतियां ही गोपी बनकर के प्रकट हुई। अनेक कथाएं, पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि कुछ गोपियां भगवान से मान करती हैं और कुछ स्नेह करती हैं, कुछ भगवान की आलोचना करती हैं और कुछ भगवान का अभिनंदन करती हैं। बोले श्रुतियां भी दो प्रकार की हैं, कुछ निषेध करती हैं और कुछ गुणों का वर्णन करती हैं। कुछ श्रुतियां गुण का निषेध करती हैं, कुछ श्रुतियां भगवान के गुण का वर्णन करती हैं। वही श्रुतियां, सगुण निर्गुण श्रुतियां ही वृंदावन में गोपियों के रूप में प्रकट हुई। तो दंडकारण्य के जितने मुनि महात्मा थे, उनको भगवान ने गोपी होने का वचन दिया। आगे बढ़े तो मुनियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभो आपने बड़ी कृपा की, दंडकारण्य में पधारे। हम आपके द्वारा रक्षणीय हैं, आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम लोग तो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, तपस्या करने वाले, साधना में लगे रहने वाले, और राक्षस असुर हमें त्रास देते हैं। इसलिए हे प्रभो आप हमारी रक्षा करो। रक्षणीयास्त्वया सत्सत् गर्भभूतास्तपोधना, तप ही हमारा धन है और आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करो जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। जिम बालक राखै महतारी, करहु सदा तिनकै रखवारी। जिम बालक राखै महतारी, भगवान भी कहते हैं कि जिस प्रकार माँ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। और यहाँ पर ऋषियों ने भी यही कहा कि रक्षणीयास्त्वया सस्वत् गर्भभूतास्तपोधनाः, हम तो आपके गर्भ